हेलो गाइस, मैं उदय रक्षित, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज है हम अपने फेवरेट कार में, क्रेटा में। और क्रेटा में बात करें भाई, तो ये जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनको बता दूं ये हमारी क्रेटा 2020 है, ई बेस मॉडल। और इसमें देख रहे होंगे आप स्टेयरिंग कंट्रोल से, तो भाई मैंने ये अलग से लगवाया है, इसलिए ऐसा दिख रहा है, बेस मॉडल ही है। और इसमें भाई एक प्रॉब्लम आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका ABS काम नहीं कर रहा है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपको ऐसा प्रॉब्लम ना झेलना पड़े, क्योंकि भाई ABS काम नहीं करना ये एक थोड़ा रिस्की फैक्टर है। क्योंकि मैं 2-4 दिन से गाड़ी को लेके निकल रहा था, तो मैं जब ब्रेक प्रेस कर रहा था ना भाई, तो व्हील्स स्किड कर रहे थे, ठीक है। तो मुझे ऐसा डाउट हुआ कि इसके शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया है इसके ब्रेकिंग सिस्टम में। तो फिर जब नोटिस किया कि इसके MID पे कोई सिग्नल आ रहा है क्या, तो फिर इसके MID पे मैंने देखा कि ये ABS की लाइट जल रही है, ठीक है। नहीं, पहले क्या हुआ ना कि पहले ABS की लाइट जल रही थी, कुछ देर बाद फिर बंद हो गई थी। तो मुझे लगा ये नॉर्मल है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर लेकिन जब इसको 2-4 बार लेके निकला, तब पता चला कि भाई इसका ABS भी काम नहीं कर रहा है। फिर इसकी जो लाइट है कॉन्स्टेंट ऑन रहने लगी, अभी बंद नहीं होती है। तो कंपनी में मैंने कॉल किया था कि भाई हमारे ABS काम नहीं कर रही है और लाइट जल रही है। तो उन्होंने बोला कि अगर लाइट जल रही है, इंडिकेट कर रही है, इसका मतलब ये है कि साफ आपके भाई ABS में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। तो मैंने कॉल किया था, तो उन्होंने मैनेजर साहब ने बोला कि भाई आप एक काम करो, गाड़ी आप लेके आ जाओ, हम लोग चेक कर लेंगे कि आखिर क्यों ABS की लाइट आ गई आपकी कार में। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ऐसा प्रॉब्लम ना झेलना पड़े, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की फैक्टर है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा रिस्क वाला ये चीज़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना निकले। अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकलता है, तो भाई ऐसा जितने भी क्रेटा ओनर्स हैं उनके लिए भी ये दिक्कत हो सकती है, मे बी उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े। अगर आप कोई है ऐसा भाई जो ये प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना। और अगर ऐसा भाई है जो देख रहे हैं, तो भाई उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर उनको ऐसा प्रॉब्लम कुछ आता है तो क्या करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो सर्विस सेंटर में कॉल करके पता कर लो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो आपको बता देंगे। कि अगर ऐसा कुछ इंडिकेशन है या कुछ लाइट वाइट जलती है, तो उनको आइडिया रहता है कि किस वजह से जल रही है। और मैं तब से भाई यही उम्मीद में हूँ कि इसका अगर प्रॉब्लम निकलता भी है तो कुछ दूसरा मैटर निकले। ऐसा ना बोल दे कि भाई आपकी ये तार टूट गई, आपको इतनी खर्च होगी। तो मैं घर से मैं यही सोच के निकलूँ कि कोई खर्च ना हो जाए भाई फालतू का। भाई फील ही अलग लेवल है डीजल गाड़ी में, जो वो फील आता है ना भाई, वो पिकअप का मजा आ जाता है। और भाई हम अपना सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं, यहीं से हमें लेना है टर्न। भाई यहाँ स्पेस की बहुत दिक्कत है। मैं 2 साल से सुन रहा हूँ ये कहते हैं कि भाई हमारा नया सर्विस सेंटर बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। अब पता नहीं और कितना दिन लगेगा। प्रॉब्लम है गाड़ी में? क्या प्रॉब्लम है सर जी? अपॉइंटमेंट, इसका ABS काम नहीं कर रहा। तो चलिए चलते हैं अंदर। भाई गाड़ी वाड़ी में बहुत प्रॉब्लम आती रहता है ये, मतलब एक तरह से कहो ना कि एकदम शांति मिल जाएगा लेने के बाद, वो आपको कभी नहीं मिलने वाला। तो चलिए भाई अंदर जाके बात करते हैं। ये आज हमारा सेकेंड डे, और एक्चुअली कल मैंने गया था तो कल काम हो नहीं पाया, इसलिए पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी आज इन्होंने प्रोवाइड किया है। कल 2 बजे गया था तो बोले कि काम अब तो होगा नहीं, क्योंकि गाड़ी अगर खोलते हैं तो फिर शाम 7-8 बज जाएगा, क्योंकि ABS का प्रॉब्लम है। तो क्या किस वजह से आ रहा है ये देखना होगा। तो भाई आज पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी देख रहा हूँ इनका, हुंडई का। तो ये भी लेके जा रहे हैं, और मैंने ये सब कह दिया कि अगर कुछ बड़ा प्रॉब्लम आता है, कुछ बड़ा फॉल्ट आता है, तो मुझे कॉल करना। तो अभी बताता हूँ आपको आगे की वीडियो में क्या होता है और किस तरह से इसका प्रोसेस का काम चालू होता है पिक एंड ड्रॉप का। चलिए ठीक है, आने दीजिए। ठीक है भैया,
नहीं अब YouTube का ब्लॉग बनता है, उसमें कोई टेंशन मत लीजिए। तो भाई यहाँ से हमारा जो पिक एंड ड्रॉप का फैसिलिटी जो हमने अवेल किया था वो चालू हो गया है, अभी भैया लेके जा रहे हैं। और बनने के बाद ऐसा भाई ने कहा कि अगर आप नहीं आ पाते तो गाड़ी हम ड्रॉप भी कर देंगे। तो ये भाई एक हुंडई का सबसे बेस्ट बात है कि सर्विस इनका बहुत बढ़िया दिया जाता है, प्लस जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे घर से नज़दीक है तो सर्विस अच्छा खासा मुझे बहुत बढ़िया से मिल जाता है। तो ठीक है भैया आप आइए गाड़ी ले। ठीक तो भाई इस वीडियो के जरिए आपको ये भी पता चल जाएगा कि हुंडई आपको सर्विस कैसे देती है पिक एंड ड्रॉप वाला। तो भाई यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और देखता हूँ ये कितना समय लेते हैं गाड़ी को पहुँचाने में। अभी वैसे अगर मैं अभी फिलहाल का टाइम बताऊँ तो 10:30 बज रहा है, जैसे कि इन्होंने कहा था, प्रॉमिस किया था कि मैं 10:30 बजे तक आ जाऊँगा, एकदम बिल्कुल 10:30 बजे आके गाड़ी इन्होंने पिक कर लिया है। अब इनका ड्रॉप देखते हैं कि ड्रॉप ये गाड़ी कब करते हैं और इनका ड्रॉपिंग फैसिलिटी कैसे रहता है। तो भाई ये शाम का वक्त है और हमारा कार जो हुंडई के सर्विस सेंटर वाले जो थे सर्विस एडवाइज़र वो लेके आ गए हैं, जो यहाँ से लेके गए थे बनवाने के लिए। और भाई गाड़ी हमारे अच्छे से बन गया है और बन के ये ड्रॉप करने आए हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया भैया? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो भाई एक बार आपको दिखाना चाहेंगे जो ABS का लाइट जल रहा था, आप देखे थे किस हिसाब से इसमें जो कंस्टेंट लाइट जल रहा था ABS का, ये अभी हट चुका है और ABS अच्छे से काम कर रहा है भैया। तो भाई ये ABS का लाइट। तो भाई इसमें जैसे कि जो सर्विस एडवाइज़र हमारे थे वो हमें कॉल करके पूरा सारा डिटेल्स दे रहे थे, जैसे जैसे काम हो रहा था वैसे वैसे डिटेल्स देते जा रहे थे। तो पता चला भाई कि इसमें कोई तार था, जो ABS का तार था वो तार टूट गया था, जिसकी वजह से ABS काम करना बंद कर दिया था। सबसे बेस्ट बात इनका ये लगा कि गाड़ी जैसे जैसे प्रोसेस बाय प्रोसेस काम हो रहा था वैसे वैसे सारा अपडेट इसके ऑनर को दे रहे थे, मतलब मुझे देते जा रहे थे कि आपकी गाड़ी अभी इस पोजीशन पे है, ये चीज़ खुल रहा है या ये चीज़ का तार लग रहा है। तो ये सबसे बेस्ट है। एक बार आपको गाड़ी अंदर से दिखाएंगे और चला के बताएंगे कि क्या फील है और बनने के बाद अभी ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो भाई एक काम करते हैं, आगे हम कंटिन्यू करते हैं अंदर जाकर। तो भाई हम लोग अभी इसका टेस्ट राइड ले रहे हैं, जो भैया लेके आए थे वो कहे कि भाई एक बार आप चला के देख लो। तो भाई जैसे बात करें सर्विस का, तो मैंने पहले भी बताया हुआ है और अभी भी कह रहा हूँ, हुंडई का सर्विस भाई मुझे बहुत बेस्ट लगा है। मतलब कोई अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप घर में नहीं रह पाओगे, पिकअप का फैसिलिटी मिल जाए तो आपको वो भी मिल जाएगा, चाहते हैं नहीं आप काम करो ड्रॉप कर दो मैं आ नहीं पाऊंगा तो आपको वो भी कर दिया जाएगा। और जो बात करें बिल का, तो जो भी बिल बना था वो घर आके पेमेंट लिया, ऐसा नहीं कि भाई काम हो गया है आप ऑनलाइन कर दो पेमेंट, ऐसा नहीं है भाई। जो कार ड्रॉप करने आए थे वही बिल लेके आ गए और यहीं पर मैंने उसका सारा पेमेंट कर दिया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो भाई अगर आप ये गाड़ी हुंडई कंपनी से अगर आप कोई भी कार वार लेते हैं तो आपको एक तरह से सर्विस आपको अच्छा मिल जाता है। और ABS की बात करें भाई तो बिल्कुल अब सही से काम कर रही है। पहले क्या था ना कि ABS में काम ही नहीं करता, जैसे मैं ब्रेक प्रेस करता था वो व्हील्स जो है स्किड करने लगते थे, जैसे अभी मैं बात करूं। तो भाई ABS अभी सही से काम कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ भाई कि मेरे वीडियो से आपको आइडिया मिल गया होगा कि अगर आप पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी लेते हैं तो आपको किस तरह से इसमें आपको सुविधा मिलता है। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भाई वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।